So the NCP leadership appears to be advising Uddhav Thackeray to accept the fact that there are no numbers with the government and likely move out gracefully. So it now appears that on the weekend, specifically Saturday 1 p.m., Shiv Sena, that has called for a meeting of its national executive, may then decide the strategy. So the weekend would be an important day of what happens to Maharashtra. आज हमने फिर दोबारा माननीय उपाध्यक्ष जी से बात की, कानूनन बात करी और कहा उनसे विनती करी ये कार्रवाई शुरू करे. वो काम शुरू होगा, अब उनको नोटिस जाएगी. उन्होंने उसके जवाब दिए थे कि उन्होंने तो हमारे उपाध्यक्ष पर ही अविश्वास जताने की बात की, वो गलत था. ये भी हमने साबित कर दिया कि कौन भेज रहा है लेटर, कौन है, किसी मेल पे आया, वो मेल मालूम नहीं किसका है. एक भी विधायक के खुद के मेल पे नहीं है, कोई जो स्वाक्षरी ली हुई है वो सारे कागज जोड़े हुए हैं, वो भी कानूनन सही नहीं है. सबसे बुरी बात क्या होगी कि ये लोग जो कहते थे कि हम ही शिवसेना है, हमारा ही शिवसेना पार्टी है, जो कानून कहता है कि जब दो तिहाई लोग पार्टी छोड़कर निकल जाते हैं तो उनका गुट नहीं बनता, उनको जो कानून में सुधार आया उस सुधार में ये लिखा है कि ये दो तिहाई गुट को, किसी भी गुट को, किसी पार्टी से विलीनीकरण करना होगा. अब वो विलीनीकरण की बात आई है तो अभी कहां जाएंगे, कहां जाए, कहीं भी जाएं, लेकिन भगवे से दूर जाने वाले, शिवसेना से दूर जाने वाले, कानूनन उनको जाना ही पड़ेगा. अब किसी पार्टी में जाती है पता नहीं, तो शिवसेना कहां रही है, मेरी शिवसेना थी. तो ये जो भी कमला भाई के पास जाएंगे होता है, पता नहीं कहां जाएंगे, तो कहीं भी जाएंगे लेकिन वो शिवसेना से दूर जाएंगे, शिवसेना के परमानेंटली दूर होने वाले.